हमास के आतंकियों ने इसराइल में जमकर तबाही मचाई है। 1400 इसराइली नागरिकों को मार गिराया। इंतकाम की आग में जल रहे इसराइल ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। हालात ये हो गए हैं कि गाजा की 40% से ज्यादा इमारतें बर्बाद हो गई हैं। इसराइल आसमान से गाजा में बम बरसा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से गाजा में छोटे छोटे ऑपरेशन भी कर रहा है, लेकिन अभी तक बड़े स्तर पर जमीनी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन में देरी क्यों कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब है हमास की वो साजिश जिसे इसराइल की सेना भली भांति जानती है। सबसे बड़ा खतरा और हमास को खत्म करने में चुनौती गाजा में मौजूद वो सुरंगें हैं, जिसे तोड़ना इसराइल की सेना के लिए आसान नहीं है। हमास ने इन्हीं सुरंगों से हमले की साजिश रची और हमले को अंजाम दिया। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसराइल से अगवा किए गए लोगों को भी इन्हीं सुरंगों में रखा गया है। हमास के आतंकियों के लिए सुरंगें किसी सुरक्षित किले से कम नहीं है। हमास ने इन सुरंगों में आपस में बातचीत करने के लिए फोन लाइनें तक बिछा रखी, जिसे इजरायली सेना टैक नहीं कर सकती है। इन सुरंगों को गाजा मेट्रो भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल आतंकी गोला बारूद छिपाने से लेकर खुद के छिपने के लिए भी करते हैं। इन सुरंगों के जरिए बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सुरंगों की ये भूल भुलैया 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी है। साल 2021 में हमास ने गाजा के नीचे 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनवाने का दावा किया था। हालांकि इसका कोई सटीक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है कि गाजा में कुल कितनी सुरंगें हैं। जब 2013 में इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ कार्रवाई की थी, तब करकीट की छत और दीवारों वाली लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी और 18 मीटर गहरी सुरंग की खोज की थी। ये सुरंग गाजा पट्टी से इजरायली शहर के पास निकलती थी, लेकिन अब इजरायली सेना ने सुरंगों के इस चक्रव्यूह को तबाह करने के लिए योजना तैयार कर ली है। इजरायली सेना स्पंज बम के जरिए सुरंगों को तबाह कर रही है, पर गाजा में जहां भी सुरंग होने का अंदेशा होता है इसी बम से हमला किया जाता है।